सर आइजैक न्यूटन। अरे वो टेस्ट ट्यूब गिरने वाली है। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के महान आविष्कारों में से एक है। न्यूटन कौन था? हे भगवान, ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है सर। न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 में हुआ। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। एक दिन वे प्रिज्म ले आए और उन्होंने देखा कि सूरज की किरणें प्रिज्म के एक बाजू से प्रवेश करके दूसरे बाजू से वर्णपट प्रसारित कर रही हैं। ये न्यूटन का पहला संशोधन था। सन 1665 में प्लेग का तांड हुआ और यूनिवर्सिटी बंद हो गई। न्यूटन भी अपने घर लौटे। एक दिन न्यूटन अपने बगीचे में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि पेड़ से एक सेब नीचे गिर गया। उसे देखकर न्यूटन के मन में एक विचार चमक उठा। उन्होंने सोचा कि गिरने वाली सभी चीजें हमेशा पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं। उस दिन से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नियम उनके मन में बस गए। लेकिन संसार के सामने अपना यह सिद्धांत उन्होंने सन 1705 में प्रस्तुत किया। इंग्लैंड की महारानी ने न्यूटन को सर खिताब प्रदान कर सम्मानित किया। उस दिन से आइजैक न्यूटन सर आइजैक न्यूटन के नाम से पहचाने जाने लगे। सन 1727 में इस महान संशोधक ने अपनी आखिरी सांस ले ली। उनका अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एबे नामक शाही अंतिम संस्कार की जगह पर किया गया।